खुशी विवेक के बीच रिश्ता टूटने का सच कुछ और ही है। रिश्ता टूटने का सच कुछ भी रहा हो, लेकिन ऑडियो जो लीक्ड हुई है उसके लिए तो यही कहना चाहते हैं कि ये किसने की। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिंपल व्लॉग्स पर। तो दोस्तों, लोग जो हैं वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में ही इनका आपसी जो रिश्ता था वो ख़राब हो गया है, ये दोनों अलग हो गए हैं, इनका डिवोर्स हो गया और कस्टडी के लिए खुशी ने केस फाइल किया है, बच्चे की कस्टडी के लिए खुशी ने केस फाइल किया है, ये कितना सत्य है और क्या वाकई में इस फैमिली के रिश्तों में दरार आ चुकी है। तो ये जो ऑडियो सब लोगों के पास पहुंची है, जहाँ किसी एक के पास पहुंची और जी वो सोशल मीडिया पर सबके सामने आई और वहीं से सब लोगों ने क्लिप लेकर आगे की आगे रिएक्शन चैनल वालों ने शेयर कर दी। आप लोगों को मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, इस फैमिली के बीच में कुछ भी रहा हो, लेकिन इनकी कोशिश यही रही है कि ये बातें जो हैं सबके सामने ना आए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपस में बैठ कर वो बातें ठीक भी हो सकती हैं, लेकिन जब ये बातें सरेआम सबके बीच में आ जाए, सोशल मीडिया पर फैल जाएँ, तो वो वापस रिश्ता ठीक होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ इस समय भी हुआ है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि खुशी कितना आराम से बात करने की कोशिश कर रही है कि पापा जी आप फिर मार दो मुझे, ऐसे करके वो बात करती हुई नज़र आ रही। मतलब वो कहना क्या चाह रही थी, क्योंकि विवेक के पिताजी की ओर से तो ऐसा कुछ भी बात नहीं थी, है ना, वो जैसे भी है, लेकिन खुशी ने बात करके ना, ये पापा जी आप मुझे मार दो, आप कहते हो ना कि आप ऐसे कर सकते हो, जानबूझकर सामने वाले को इन्होंने पे गुस्सा दिलाया। और कहीं ना कहीं ये सरेआम दिखाई पड़ रहा है उस ऑडियो में भी कि खुशी जो है वो रिकॉर्डिंग कर रही है। क्या ये सारा कुछ स्क्रिप्टेड ही है? कईयों का तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे ये भी लिखना था कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड ही है जी, एक ही रूम में बैठ कर इन लोगों ने रिकॉर्डिंग करी है, एक ही रूम में बैठ कर। लेकिन भाई जो कुछ भी किया है, लेकिन पापा जी को क्यों बदनाम किया जा रहा है ना? वहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि फादर इन लोगों ने जो है एब्यूज़ किया अपने ही घर की बहू बेटियों को, तो ये गलत है। और जो शॉर्ट वीडियो में दिखाया जाता है कि खुशी कितना अपने फादर इन लोग को प्यार करती है और फादर इन लोग कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से, है ना, तो आज वही फादर इन लोग जो हैं वो इतने बुरे हो गए हैं, तो ऐसी गलती कोई तो हुई होगी बच्चों से जो जी पापा जी डांटने पर मजबूर हो गए, है ना। और वहाँ पर विवेक जो है वो भी अपने घर पर ही है, और कस्टडी जो है मैंने पहले भी बोला है इसकी मदर इन लोग को ही मिलनी चाहिए। अच्छा जी, मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इनके रिश्ते की जो भी बात हो, लेकिन अब कोई और प्रूफ या कोई और ऐसी ऑडियो लीक क्यों नहीं हो रही है? 3-4 महीने तक तो इन्होंने ये सब बातें संभालने करने की कोशिश की, और वहाँ पर अभी पंजाबी के कुछ जो चैनल है, रिएक्शन चैनल, वो ये दिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि इनके एडवोकेट ने भी सरेआम मना कर दिया कि नहीं जी हम कुछ नहीं बताएंगे। भाई कॉन्फिडेंशियल नाम की भी कोई चीज़ होती है, कुछ प्रूफ होते हैं ना कॉन्फिडेंशियल, भैया उसको ऐसे सरेआम कैसे वो बता देंगे, है ना वकील। और एक चीज़ है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्रूफ ही था ये ऑडियो, ये कैसे सबके पास पहुंची और किसने पहुंचाई, कहीं ना कहीं शक के दायरे में खुशी ही आ रही है, ठीक है जी। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि दोनों में से कौन गलत है, यह अभी तक किसी को नहीं पता। आपने देखा पारस ठकराल स्नेहा सचदेवा की स्टोरी, बिल्कुल वही मिलती जुलती स्टोरी इन लोगों की भी है, और बहुतेरे ऐसे अभी फ़िलहाल यूट्यूबर सामने आ रहे हैं जिनका ब्रेकअप हो गया, जिनके डाइवोर्स हो गए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे कपल वही हैं जिन्होंने पहले अपनी फैमिली को, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को सोशल मीडिया पर दिखाया कि बड़ा ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनकी, इनकी बड़ी ही हैप्पी फैमिली है और बड़े ही खुश मिजाज लोग हैं ये लोग, है ना। और अब लोग कहते हैं कि नज़र लगे, नज़र किसी की नहीं लगी। ये रिश्तों में दरार जो आती है ना, ये होता है कि रिश्तों पर जहाँ तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ही अपने विश्वास कर लिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के चक्कर में स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ही खेलते रह गए, हमेशा एक टीम के साथ ही चलते रह गए ये लोग, है ना। वही
ये लोग जो हैं भ्रम में जीते हुए नज़र आए कि हाँ ये एक दूसरे को प्यार करते हैं, लेकिन प्यार इनको सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया से ही रहा। अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर या फिर कैसे, हमेशा से एक मॉडल लुक जो है आप लोगों ने देखा है खुशी की रही है, लेकिन अब ये कहीं पर भी नहीं है कि इसके फादर इन लॉ को या इन लॉज फैमिली को कहीं ना कहीं खुशी के कपड़ों पर आपत्ति थी, बिल्कुल भी नहीं थी जी। अच्छा, खुशी के भी कुछ सपोर्टर हैं, विवेक के कुछ सपोर्टर हैं, लेकिन वो इन दोनों के बारे में जानना चाहते हैं, वो इन लोगों का हाल चाल लेना चाहते हैं कि क्या ये सब सही है या ये झूठ है, और भगवान से वो प्रेयर कर रहे हैं कि हे भगवान ये सब झूठ हो, ये फैमिली फिर से एक हो जाए। हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये फैमिली एक बार फिर से एक हो जाए। भाई अपना नहीं तो एक बच्चे के बारे में ही सोच लीजिए, है ना। लेकिन वो ऑडियो लीक होने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं खुशी जो है वो प्रूफ इकट्ठा कर रही थी, जो कि सरेआम सोशल मीडिया पर सबके सामने आ गया कि 3 महीने तक इनके बीच में जो भी चल रहा था तो वो ये सब था, है ना। लेकिन वो ये सब होने के पीछे की वजह क्या थी, वो वजह अभी तक भी किसी भी व्यूअर्स को क्लियर नहीं है। लेकिन वहाँ पर इन लॉज में फादर इन लॉ को बदनाम किया गया, ठीक है, विवेक का और खुशी का रिश्ता जो भी रहा हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो लेकिन पेरेंट्स जो हैं उनकी तो कोई गलती नहीं है, लेकिन उनको बदनाम किया गया। यहाँ पर तो यही कहेंगे हम लोग, बच्चों की आपसी जो भी गलतियाँ थी। और एक चीज़ है कि व्यूअर्स ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि लखन फैमिली, देखिए लखन फैमिली को बीच में इन्वॉल्व मत करिए आप लोग, लखन फैमिली का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, लखन फैमिली की जब कॉन्ट्रोवर्सी थी, ये मतलब ज़बरदस्ती उनकी कॉन्ट्रोवर्सी में इन्होंने सेंध लगाने की कोशिश की थी। अब एक शॉर्ट वीडियो जो है लखन की वो शेयर हो रही है सब जगह सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है ना, कि लखन कह रहे हैं कि कर्मा हिट करता है, किसी ने मतलब कोशिश करी थी हमारे पिताजी और माताजी के हमारे रिश्ते ख़राब करने की, मतलब कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच के रिश्ते ख़राब करने की, लेकिन आज इनकी खुद की ही फैमिली बिखरी हुई है ना। तो वो कहना चाहती हूँ कि वो किसके बारे में बात कर रहे थे, ऐसा क्लियरली लखन ने भी नहीं बोला है बिल्कुल, है ना। सो प्लीज़ लखन फैमिली के लिए आप ये सब चीज़ें ना कहें तो वो ही अच्छा रहेगा। लखन फैमिली बहुत ही संस्कारी फैमिली है, नो डाउट इनके भी बहुत अच्छे संस्कार रहे होंगे, क्योंकि ये फैमिली जो है अभी तक जो दिखाती है ये काफ़ी अच्छी और मॉडर्न फैमिली रही है, ये विवेक फैमिली भी, है ना। लेकिन लखन फैमिली के संस्कार जो है रीति रिवाज के साथ, वो कहते हैं ना ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, वो हम लोगों ने देखा है। लेकिन यहाँ पर ये लोग कुछ ज़्यादा ही प्रौढ़ी हो गए थे खुशी और विवेक, ऐसा कमेंट सेक्शन में आप मेरे खुद ही रीड कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे ऐसे कमेंट्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी क्लियर हो जाऊंगी जो कि आपके दिलों के क्वेश्चंस हैं, है ना। अच्छा जी, एक चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि इस फैमिली का जो भी रीज़न रहा अलग होने का, फ़िलहाल वो क्लियर नहीं है। जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं आप लोगों के सामने, वो सारी की सारी मैं फेक ही कहना चाहूँगी जब तक ये कपल सामने आकर नहीं कहता। जैसा कि स्नेहा सचदेवा ने एक वीडियो बनाई थी, वीडियो बनाकर ये चीज़ बताई थी कि हम लोग सेपरेट हो गए हैं, कस्टडी जो है वो पारस ठकराल को मिली है बच्चे की। तो ऐसे ही जब तक खुशी आकर सामने नहीं बताती है, जहाँ विवेक की फैमिली की ओर से कोई सामने नहीं आकर बताता है, जब तक तो ये सारी बातें जो है फेक ही कही जाएंगी, ठीक है। लोग अपनी अपनी अटकलें लगा रहे हैं, देखो उनका बनता भी है, क्योंकि वो इनके फॉलोअर्स हैं, वो इनको पसंद करते हैं, वो इनको एक बार फिर से सोशल मीडिया पर व्लॉगिंग करते हुए देखना चाहते हैं। तो जी आपका क्या कहना है इसके बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर से रखना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान।